सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। वहीं सिसोदिया ने यह भी कहा है कि देश में 2014 से भाजपा की सरकार है। आप पता कर लीजिएगा कि इस दौरान इन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद करवाया। केंद्र सरकार मुझ पर FIR करके सरकारी स्कूल को बंद करने का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। सिसोदिया के मुताबिक 2015 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 72,747 सरकारी स्कूल को केंद्र और भाजपा सरकार ने बंद करवाए हैं। वहीं सिसोदिया ने आगे कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार काम हुआ है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भाजपा चाहते हैं कि इन स्कूलों को बंद किया जाए ताकि बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़े। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले अपने घर पर पड़ी CBI की रेड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर CBI ने रेट मारा, आज 10 दिन बीत गए हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि मेरे घर में उन्हें क्या मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने शराब घोटाले का आरोप लगाया लेकिन जब उसमें कुछ भी नहीं मिला तो अब वो स्कूलों में भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं। इनकी सारी बातें झूठी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।